दोस्तों नमस्ते, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। माय यूनिवर्स चैरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं आप सबके लिए रेत की भविष्यवाणी लेकर आई हूँ, आपके और आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे और क्या फीलिंग्स है आपकी उनके लिए। तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ओपन माइंड हो जाए और राधे कृष्ण का नाम ले और पॉजिटिव हो जाए, अपने पर्सन के बारे में सोचे, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए व्यूवर्स, ठीक है। चलिए दिख रहा होगा आप लोग को, चलिए रिलैक्स हो, ओपन माइंड हो जाए। जस्ट प्लीज गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, ऑल आर्किटेक्ट दिव्य शक्ति गाइड करे, राधा रानी गाइड करे, कृष्ण गोविंद गाइड करे। रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले ओम चैंटिंग करती हूँ, पीस और शांति और बैलेंस के लिए, ठीक है। हमारे अंदर स्ट्रेंथ और पावर लाने के लिए, पॉजिटिविटी अंदर से फील करने के लिए, सही दिशा चुनने के लिए, सही मार्ग जाने के लिए, अंतर आत्मा से जुड़ने के लिए, यूनिवर्स से जुड़ने के लिए, मतलब कि यहाँ पे आपका अंतर आत्मा जो है परमात्मा से मिलन करता है ओम चैंटिंग से। पीस और शांति बैलेंस, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो या फिर फैमिली में अगर नहीं बन रहा तो यहाँ पे आप अगर सही रहोगे तो फैमिली में भी अच्छा कुछ होने लगेगा व्यूवर, ठीक है। चलिए अब स्वास्थ्य सुख शांति और समृद्धि के लिए, ज्ञान बुद्धि नॉलेज सब कुछ आप गेन कर सकते हो, नेगेटिविटी को लेट गो कर सकते हो, पॉजिटिव एनर्जियाँ आपके लाइफ में आती है, आपके घर में आती है, ठीक है। बुद्धि ज्ञान नॉलेज सब कुछ आप गेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए हो गया, अब यहाँ पे चलिए देखती हूँ क्या कुछ चल रहा है। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कियंस दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड कीजिए, कृष्ण गोविंद, जय माँ काली, सेरा वाली माँ, नव दुर्गे माँ, एक्सटेंडेड मास्टर, ऑल आर्कियंजल, मेरे एंसेस्टर, थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड, स्टैंडर्ड मास्टर, प्लीज गाइड करें, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए पहली बात तो यहाँ दो एनर्जी बनी है, ठीक है, इन्फिनिटी है और कन्फ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे बहुत व्यूवर्स, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और आपके अंदर जो विश्वास की जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है, पावर है और विश्वास वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। डियर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत के पार्टनर का कॉल मैसेज आ गया है, रियूनियन भी कुछ लोग की हुई है और कुछ लोग यहाँ वेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस वक्त कुछ के पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज जरूर हैं, लेकिन वो अगर जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ये उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो इन्हें अब स्टैंड लेना है आपको लेकर, ठीक है। सारे ऑब्स्टिकल को पीछे छोड़कर अब ये आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं व्यूअर्स, ठीक है। देखिए बेहतर, मुझे लग रहा है कि बेहतरीन एनर्जी आ रही है यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूज जरूर है बट इनको ये एहसास तो हो रहा है व्यूअर्स, ठीक है। व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई है या आपके विश्वास की, लेकिन विश्वास की तो हुई है व्यूअर्स, लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी है कि आपकी विश्वास की ग्रोथ तो हुई है, लेकिन जो आपका थोड़ा सा रह रहकर कंफ्यूज हो जाना, ये अभी आप में है, आप भी कंफ्यूज हो, वो भी कंफ्यूज है, पैसनेज एनर्जी है, ठीक है। लेकिन लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग की एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, लव लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। देखिए इमोशंस आपके भी बहुत ज्यादा हाई हैं, मतलब आप अपने प्यार को याद कर रहे हो, ठीक है, इंतजार कर रहे हो और कहीं ना कहीं होप है कि सब कुछ बेहतर होगा,
क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी कि सबके साथ अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, ये चीज आप में देख पा रही व्यूअर्स, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए कि थोड़ा सा स्टक वाली एनर्जी है इन्हें, ठीक है। अगर आपसे आपके पार्टनर अब तक कॉल मैसेज नहीं किए, बात नहीं करे, तो ये करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, थोड़ा सा ये कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं क्योंकि स्टक है, इन्हें निकलना है व्यूअर्स, ठीक है, इन्हें निकलना है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। देखिए इनके एनर्जी में है इमोशंस भी है, प्यार भी है, और मिलना चाह रहे हैं। ये जोड़ियक शायद देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर, लिब्रा यानी तुला, सैजिटेरियस धनु, लियो यानी सिंह, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, कैंसर यानी कर्क, टॉरस यानी वृषभ। ये लेटर्स यहां पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, लेटर्स बोलियो डियर, ये जोड़ी एक शाइन, ठीक है, आप ही आपके पर्सन का हो सकता है व्यूअर्स, ठीक है। देखिए आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो अंदर से होप जगा है ना डियर, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, ठीक है। आपका विश्वास यूनिवर्स के प्रति, खुद के प्रति, प्यार के प्रति, कहीं ना कहीं आपके अंदर बैलेंस आया है। सो गुड, बहुत अच्छा है, ये चीज होनी चाहिए तभी कोई आपको आपके तरफ एक्शन लेता है। तो मैं यहां अभी भी बोलूंगी व्यूअर्स, अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको दिख रहा है डियर, है कंफ्यूज्ड है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी आप भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, यहां पे मुझे ये दिख रहा है, यहां पे मुझे दिख रहा है। देखिए बहुत अंदर से आपके पार्टनर को ना एक अटैचमेंट सा है, मतलब मुझे बात करना है, मुझे कहीं से निकलना है, मतलब इन्हें एक डीप मतलब फीलिंग्स जो होती है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स, वो वाली एनर्जी मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूं। देखिए इन्होंने ठान लिया, थोड़ी सी स्टक वाली एनर्जी जरूर है विवश, कंफ्यूजन वाली एनर्जी जरूर है, बट इन्होंने ठान लिया है, ठीक है, इन्होंने ठान लिया है। देखिए अब तक किसी के पार्टनर ने अगर आपके तरफ कॉल मैसेज नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो ये काफी सोच रहे व्यूअर्स आपके तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको ये फील कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, मतलब इनके मन में है ना कि स्ट्रांग डिसीजन ले लिया, इन्होंने ठान लिया कि मुझे निकलना है, और सॉलिड कुछ इन्होंने मतलब होता है ना सॉलिड कमिटमेंट के बारे सोच रहे हैं, लेकिन ये आपको समझाना चाहती है, यहां पे ही ये कंफ्यूज है कि क्या आपसे मिलकर वो कहेंगे, ठीक है, बहुत तरह की एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं दोनों अगर मिरर यहां पे करो, दोनों कंफ्यूज हो, ठीक है, आप भी और वो भी, ट्रस्ट दोनों को बढ़ता जा रहा है इस रिश्ते पे, लव लाइफ को लेकर, ठीक है। देखिए व्यूअर्स यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि ये पर्सन निकलने से पहले कुछ सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं, आपको ये समझाना चाहते हैं, और व्यूअर्स यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी के घर में मैरिज हो रही है, मैरिज सुबह का उस चैनल पे वीडियो था, मैरिज से रिलेटेड कुछ ये डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर आप मैरिज से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है। अगर आप सिंगल भी हो सकते हो, विडो भी हो सकते हो, या फिर अनमैरिड भी हो सकते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, ठीक है, या आपकी कमिटमेंट फिक्स हो रही है, या फिर आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, ठीक है, लेकिन तब भी आप अपने पार्टनर का इंतजार करें कि वो आपसे बात करें, और आप उनसे क्लियर कहो कि क्या करें, मतलब आप क्लियरिटी चाह रहे हो व्यूअर्स, ठीक है, आप क्लियरिटी चाह रहे हो कि आपके पर्सन कहे तो सही है, नहीं तो फिर भी आप कोई डिसीजन लोगे, लेकिन फिर भी रह रहे कि आप कंफ्यूज हो। देखिए इस एनर्जी में ये चीज तो है, जब इन्फिनिटी जहां बनता है तो ये पता है डियर कि प्यार अनकंडीशनल है, और वो आपको पाकर ही खुद को ये पूरा करेंगे, इनकी एनर्जी ये है व्यूअर्स,
ये आपको पाकर ही खुद को ये पूरा करेंगे। हाँ डियर, लेकिन एक बात है बाबू कि प्यार तो है, सही में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे बातें तो बहुत छुपाई, बट इनके अंदर आपके लिए ट्रू लव है, ठीक है, बातें तो बहुत छुपाई, लेकिन ये इनके दिमाग में कुछ सॉलिड ऑफर करना, एक स्टेबल ऑफर करना जो ये नहीं कर पा रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि मुझे निकलना है, किसी भी हाल में निकलना है। बहुत इनके अंदर एक अटैचमेंट है आपसे मिलने की, बात करने की व्यूअर्स, ठीक है। इन्फिनिटी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा फील करते हो, एक दूसरे के लिए बने हो, अनकंडीशनल लव है। ये आपके पर्सन जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, ये इस वक्त सोच रहे हैं, काफी सोच रहे हैं। बहुत व्यूअर्स प्लीज कमेंट में जरूर लिखे, बहुत लोग का रीयूनियन कॉल मैसेज आ गया है, तो कमेंट में जरूर लिखे सिस्टर एंड ब्रदर्स, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप आगे बढ़ते हो तो लोगों की भी मदद होती है आपकी एनर्जी से। कहीं ना कहीं आपने कुछ, कोई 10% ही कुछ अच्छा काम किया तो लोगों को गाइडेंस मिलती है आपके थ्रू। तो अगर जिनकी कॉल मैसेज नहीं आ रही है, रीयूनियन नहीं हो रही है, तो आपकी स्ट्रेंथ से ही, आपकी एनर्जी से उन्हें भी पॉजिटिविटी मिलेगी और वो विश्वास करेंगे, है ना। तो ये जर्नी ही है बाबू, विश्वास की है, ग्रोथ की है, सोसाइटी समाज के लिए कुछ करना है। तो व्यूवर्स यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रही है, आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया व्यूवर्स, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू। मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे आपने कुछ काम को शुरू किया है, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज गेन किया है, अपने अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, और आपके आपके पार्टनर के प्रति विश्वास बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूज आप भी हो और वो भी हैं, स्ट्रेस वो भी लेते हैं, स्ट्रेस आप ही ले रहे हो, लेकिन दरअसल ये क्लियरिटी नहीं दे पा रहे जिस वजह से आप सोच रहे हो। लेकिन आपके अंदर एक होप, एक विश्वास जगी है व्यूअर्स कि आप कुछ कर सकते हो और अपने पार्टनर को अपने लाइफ में ला सकते हो, है ना। इमोशंस, प्यार और एक्शन होने वाला है व्यूअर्स, ठीक है। देखिए, आपके अंदर एक चीज है, अगर काफी ब्लॉकेज सब महसूस कर रहे हो तो आप अपना मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाओ। देखो, यहाँ बटरफ्लाई की एनर्जी बनी है, तो कहीं ना कहीं देखिए व्यूअर्स, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके पार्टनर के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर अवेकनिंग से गुजर रहे भी होंगे तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको जानने का, परखने का, आप कौन हो, क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। आपके अब 2-4 पंख लग चुके हैं, ठीक है, आपकी अपनी अपनी ग्रोथ हो रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो आपको लगातार याद करें। कुछ लोग की कॉल मैसेज तो आ चुकी है व्यूअर्स, कुछ लोग की रियूनियन भी हो रही है, और कुछ लोग के कॉल मैसेज आने वाले जहां थोड़ा आप और आपके पार्टनर कंफ्यूज हो। आप अपने पर्सन से कुछ कहना चाह रहे हो, है ना, मतलब दिल की बात, फैमिली की बात, मैरिज की बात, कुछ ऐसी बातें जो आप कहना चाह रहे हो। लगातार आपका नजर कॉल मैसेज पर है व्यूअर्स, ठीक है, कि अब आएगा, अब आएगा, अब कॉल मैसेज आएगा, इस तरह की एनर्जी है आपकी। सबका आ रहा, मेरा भी आ रहा है, मेरा भी आएगा, गॉड प्लीज हेल्प मी, किसी तरह मेरी रियूनियन हो जाए, कॉल मैसेज हो जाए, इस तरह की आपकी एनर्जी है। लेकिन यही पार्टनर बोले, किसी तरह मैं स्टैंड लूं, बात करूं, कॉल करूं, मैसेज करूं। आप या आपके पार्टनर आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं व्यूअर्स, कुछ तो बात है जो आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से कुछ पूछना चाहते हो, ऐसे थॉट्स है यहाँ पे। बहुत लोगों का कॉल मैसेज आ गया व्यूअर्स, बहुत लोगों का कॉल मैसेज आने वाला है, ठीक है। एक्साइटेड वाली एनर्जी नहीं होती है, आप में भी, आपके पार्टनर में भी है, लेकिन एनर्जी बाबू, एनर्जी तो स्ट्रेस भी देती है, कंफ्यूज भी करती है कभी कभी, मतलब होता है ना, एक्साइटेड हो जाना, बहुत लोगों का कॉल मैसेज आया है तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, एक्साइटेड हो गए हो कि मेरी रियूनियन होगी, मैरिज होगी, तो इस तरह की एनर्जी मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ भी है। तो कोई बात नहीं है, बहुत लोगों का कॉल मैसेज अब तक नहीं आया है, तो आएगा व्यूअर्स, बस आप पॉजिटिव रहें और रिलैक्स रहें, बस उसके सिवा कुछ नहीं। हमेशा मैनिफेस्ट करें और अजपा जाप जरूर करें व्यूअर्स, ठीक है। इससे क्या होगा, मन में शांति पीस आएगी, और आपके पार्टनर है जो भी है, जहां है जैसे है, वो एक्शन लेंगे।
देखिए आप लोग के तरफ गुड न्यूज आ चुका है, बहुत लोग के लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने वाला है व्यूवर्स, ठीक है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं व्यूवर्स, तो थोड़ा मैनिफेस्टेशन कीजिए, ठीक है। लेटर्स मुझे यहाँ पे जो दिख रहे हैं व्यूवर्स, ठीक है, नंबर्स तो मुझे 8 दिख रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, 2 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोग के लिए खास हो सकता है। लेटर्स जो मुझे दिख रहा है व्यूवर्स, यहाँ पे यू बहुत स्ट्रांग, वी स्ट्रांग, ठीक है, एस स्ट्रांग, एम स्ट्रांग, एम स्ट्रांग, ये लेटर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं व्यूवर्स। देखिए आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे हैं, बहुत लोगों का कॉल मैसेज आया, कुछ के पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज है, स्ट्रेस जरूर ले रहे हैं, लेकिन एकदम से आपकी तरफ एक्शन लेने वाले, बहुत इमोशंस, बहुत प्यार, बहुत चाहत, बहुत अटैचमेंट, ठीक है। शायद आपने अपने आप को कंट्रोल किया है, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको वो खो नहीं सकते हैं, बहुत खास आपसे रिश्ता है, तो मुश्किल उन्हें भी हो रही है थोड़ा ये डिसीजन लेने में ना, स्ट्रांग जो डिसीजन होता है ना, वो इस वक्त नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करूं, लेकिन हाँ जहां है जिसके साथ है कहीं ना कहीं वहां से ये निकलना चाह रहे हैं। इनके मन में है डियर, आपको ये शेयर नहीं करेंगे, इनके मन में है कि मैंने ठान लिया है मुझे निकलना है और आगे बढ़ना है, इस तरह की एनर्जी है और आपकी तरफ एक्शन लेना है। शायद इस देखिए व्यूअर, इनकी सच है कि ये चाह तो रहे हैं आपसे बहुत कुछ बोलना, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो ये छुपा रहे हैं, अभी जानना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं। तो ये इंसान जो भी हैं बहुत सोच समझ कर एक्शन लेते हैं, लेकिन इस वक्त इनको आपकी ज़रूरत है, अहमियत है, वैल्यू हो रही है। एक समय आपकी वैल्यू नहीं थी, बट इस समय आपकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। काफी स्ट्रेंथ आई है व्यूवर्स आप में, बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है, सो 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 गुड, नाइस। मैं बहुत खुश हूं आपकी एनर्जी देखकर, लेकिन आपका मूड स्विंग हो रहा है, प्यार को कोई नहीं खोता है, प्यार का सबका इंतजार रहता है, ठीक है। या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं, सोलमेट ट्विन भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं। कोई मुझे यहाँ पे ऐसी वाइफ्स क्यों आ रही है व्यूअर्स, कोई आपको फॉलो कर रहा है ना, मुझे लग रहा है कि कोई है, ठीक है, जो आपको फॉलो कर रहा है, नजर रख रहा है व्यूअर्स आप पर, ठीक है। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई आप पर नजर रख रहा है व्यूअर्स, आपकी तरफ बढ़ने का और सही डिसीजन लेकर प्यार का ऑफर करने का। लेकिन ये मैरिज से रिलेटेड कंफ्यूज्ड हो आप या आपके पार्टनर, क्लियरिटी चाहिए, नहीं तो आपकी बात हो रही है, आपके पार्टनर की भी बात हो रही है मैरिज की, ठीक है, जहां आप कंफ्यूज्ड हो। आई बी स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है, नंबर्स तो मैंने बता दिया। पाइसेस भी हो सकते हैं, मीन राशि, ठीक है, एरिस यानी मेष राशि, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ देखिए ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर भी कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग के लव लाइफ में एक न्यू फ्रेश न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है व्यूअर्स, ठीक है। तो स्ट्रांग रहें, पॉजिटिव रहें और मैनिफेस्टेशन करते रहें, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन बना है द मजिशियन की एनर्जी। जिस तरह आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी प्रकार व्यूवर्स, थोड़ा मैं और बोलूंगी कि मेरे व्यूवर्स में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, कभी कभी बहुत खुश रहते हो, बैलेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन करते रहना है, ठीक है। तो ये है आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी। मैं यहां से भी देख लेती हूँ, एक दो कार्ड निकाल लेती हूँ व्यूवर्स, ठीक है। ओह कार्ड गिरा, कार्ड गिरा, कार्ड उस गिरा, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपको कह रहे हैं आप उन पर विश्वास करो, ट्रस्ट करो और वो वादा अपना निभाएंगे, ठीक है। व्यूअर्स थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है, आप घबराओ मत, ठीक है ना, आ रहे हैं, कंफ्यूज है, मैंने बोला ना थोड़ा स्टक है, कंफ्यूज है, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। तो व्यूअर्स हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें निकलना है कहीं से, ठीक है। देखिए थर्ड पार्टी इशू, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, और भी कोई हो सकते हैं व्यूअर्स, आई डोंट नो, बट इस वक्त जिसको जो थर्ड पार्टी है प्लीज आप उन्हें ही ले, ओके। यहाँ पे करियर भी है, देखिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होता है, करियर, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, उसकी ग्रोथ, अवर्डनेस, सक्सेस, वो भी होता है हर थर्ड पार्टी। ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स हो या कोई और हो, ऐसा नहीं होता है ना, करियर भी होता है। एक स्टेबिलिटी ऑफर करने के लिए, स्टेबल ऑफर करने के लिए, फ्यूचर में सारी खुशियां देने के लिए वो पर्सन
आपको कुछ करते हैं करियर को लेकर, ठीक है, वो इस वक्त खुश हैं ऐसा कहना चाह रहे हैं, क्यों खुश हैं वो भी मैं देख लेती हूँ। यू आर माई अदर हाफ, उन्हें एहसास है व्यूवर्स कि आप उनकी सोलमेट हो, ओके, इसलिए एक कार्ड डालूंगी, क्लियर हो जाए। आ रहे व्यूवर्स, देखिए आई एम कमिंग सो, आ रहे, टेंशन मत लो व्यूवर्स जी, माई सोल सिस्टर, माई सोल ब्रदर्स, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर वेटिंग आज नहीं आया तो नंबर मैंने बता दिया है ना यहाँ पे, उस नंबर पे आ सकते हैं। देखिए वो आ रहे हैं, अब उन्हें एहसास हो गया यू आर माई अदर हाफ, आप उनके शरीर का अंग हो, आधा अंग हो, वो खुश है आपको पाकर, ये कहना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू कोई भी हो सकती है व्यूअर्स, सबकी अपनी अपनी थर्ड पार्टी इशू हो सकती है, करियर, और हो सकता है कि स्टडी कर रहे हो, कुछ आगे बढ़ना हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, करेंट पार्टनर कोई हो सकता है, सबकी अलग अलग थर्ड पार्टी हो सकती है, इसलिए हमेशा निगेटिव मत सोचा करो। थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है व्यूअर्स, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, प्रॉमिस और वादा ये अपना निभाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो ट्रस्ट इश्यू बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस आपके पर्सन भी निभाएंगे। तो चलिए ये वीडियो आपसे कितना रिजोनेट किया व्यूअर्स जरूर लिखे, और जरूर कमेंट में लिखे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात, अगर आपके मन में कोई भी निगेटिव थॉट्स आते हैं उसे लेट गो करना सीखे, ठीक है। आप लोग की रियूनियन होने वाली है, कॉल मैसेज आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं करूंगी स्टक मत रहना, स्टक रहोगे तो फिर प्रॉब्लम्स होती है ना, स्टक नहीं रहना। आप लोग का बैलेंस लगभग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा बैलेंस में आपको रहना है। रेजोनेट करता है बाबू तो कमेंट में लिखिए, जो आपके साथ हो रहा वो भी लिखिए, और जितने मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी सपोर्ट कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।